आखिरकार कब रिलीज होगी दोस्तों सूर्यवंशी, आखिरकार कब होगी रिलीज खिलाड़ी कुमार की वो फिल्म जिसके लिए हम बेसब्री से पलके बिछाए हुए आंखें झपकाए हुए इंतजार कर रहे थे। फाइनली कुछ क्लूज हाथ लगे हैं तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सूर्यवंशी से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी सी अपडेट्स है। देखिए भाई, अगर आपको याद होगा तो ये जो बुक माय शो वाले होते हैं ये ना फिल्म के रॉ एस्टिमेटेड जो डेट है रिलीज का वो डाल देते हैं। मुझे आज भी याद है, अगर आपको याद होगा तो भारत फिल्म की रिलीज डेट इन्होंने पहले ही डाल दी थी और वो एग्जैक्ट सही बैठी थी, राइट। नॉट अपार्ट फ्रॉम भारत, भारत के अलावा बहुत सी ऐसी फिल्में थी जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो गुड न्यूज की भी डेट उन्होंने ऐसी डाल दी थी, दबंग की भी डेट उन्होंने ऐसी डाल दी थी और काफी सारे ना उस पर थ्योरीज आ गए थे। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा बातें बोलती, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो फलान ढिमकाना, बहुत सी चीजें बोली थी। अब जो फिल्म रिलीज होने वाली थी मार्च 24 मार्च 2020 को, वो फिल्म दोस्तों खिसक कर पहुंच गई है कहां, दिसंबर में पहुंच गई है। बुक माई शो जाके देखिए, ओपन कीजिए, वहां पर दोस्तों जो रिलीज डेट है वो दिखा रहा है दिसंबर 2020। अबे दिसंबर 2020 तो बहुत ही दूर हो गया, राइट। एंड दिसंबर 2020 कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो आमिर खान साहब भी फिर दिसंबर के टाइम पे ही आते हैं, राइट। सो यहाँ पर पता नहीं कुछ डाइसी सा सिचुएशन क्रिएट किया गया है। बट अगर आपको ध्यान होगा तो इससे पहले भी जितनी बार बुक माई शो ने इस तरीके की रिलीज डेट्स डाली हैं सो वो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही क्लैश होता है, उसके आसपास ही चलती है। इसके पीछे क्या है सच्चाई, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा सूर्यवंशी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। कुछ लोग तो 15 अगस्त भी कह रहे हैं, अब 15 अगस्त है या नहीं है इसके लिए भी थोड़ा सा वेट कीजिए। बट यस, ये खबरें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वहीं रणवीर बाबा की यानी कि अपने धतर धतर बॉय, उनकी फिल्म 83 की दोस्तों चर्चाएं ये है कि ये फिल्म अब अगस्त में रिलीज होगी। अब अगस्त में होगी या नहीं ये तो बुक माई शो में लिखा हुआ आ रहा है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन अब होगी कि नहीं ये तो हमें मेकर्स की तरफ से ही पता चलेगा। देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है अंजाम, क्या निकलता है हर्ष, क्या सच में बुक माई शो वालों को पता चल गया इसलिए उन्होंने डेट जो है एग्जैक्ट उसके एस्टिमेटेड डेट आसपास डाल दी है। बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारी बातें। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।